कहते हैं अगर किसी देश में सबसे बड़ा बदलाव करना हो तो उस देश की शिक्षा नीति को बदलना चाहिए। तो हमारे देश में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है कल से ही। डेट थी कल की 29 जुलाई 2020। कल एक ऐतिहासिक घोषणा की गई है भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसकी घोषणा की। इसीलिए आज हम इस देश के सारे छात्रों को और उनके माता पिता में के जीवन में आने वाले सारे बदलाव के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा जिससे आपको पूरा नॉलेज मिले इस नई शिक्षा नीति के बारे में। अगर आप छात्र हैं या किसी छात्र के माता पिता हैं तो आपको इस जानकारी की सख्त से सख्त ज़रूरत है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपने सारे दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये नई शिक्षा नीति के बारे में कुछ नॉलेज मिले। अभी तक सरकार ने पूरी डिटेल्स में जानकारी नहीं दी है, लेकिन जितनी भी जानकारी हमारे पास इकट्ठा हुई है उसी के बेस पे हमने ये वीडियो बनाया है। तो मेरे हिसाब से आपको ये सारी जानकारियाँ ध्यान से सुननी चाहिए। अगर आप चाहें तो ये पूरी जानकारी को नोट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपको बदलाव के बारे में बताना। सबसे पहले हम मेन मेन टॉपिक्स बताएंगे आपको। अभी तक भारत की स्कूली शिक्षा 10+2 के आधार पर चलती थी, लेकिन अभी भारत सरकार ने इसको चेंज करके 5+3+3+4 में बांट दिया है। इसके तहत स्कूल के पहले 5 वर्षों की पढ़ाई फाउंडेशन स्टेज मानी जाएंगी। यानी इस फाउंडेशन स्टेज में छात्रों के लिए मजबूत नींव तैयार की जाएगी। उनके मैथमेटिक, उनको नंबर सिस्टम पढ़ाया जाएगा। जो बेसिक नॉलेज दिया जाता है फर्स्ट क्लास से और थर्ड क्लास तक, उसमें बच्चों को पूरा फाउंडेशन किया जाएगा और उनको काफ़ी नॉलेज दी जाएगी। आगे इसका करिकुलम NCERT के द्वारा तैयार किया जाएगा। इस फाउंडेशन स्टेज इसमें इस फाउंडेशन स्टेज में प्री प्राइमरी के 3 वर्ष और पहली और दूसरी कक्षा का एक एक वर्ष शामिल होगा। तो बच्चों को अभी प्री प्राइमरी में 3 वर्ष और पहली और दूसरी कक्षा का एक एक वर्ष इस तरीके से शामिल करके ऐसा 5 साल का एक फाउंडेशन स्टेज बनाया है। इसके अलावा बच्चों को खेल कूद और अन्य अलग अलग गतिविधियों की पढ़ाई की जाएगी। यानी इन कक्षाओं के छात्रों के लिए किताबों का बोझ पहले जितना नहीं होगा। ये खेल कूद के साथ साथ अपना नॉलेज भी ले पाएंगे और अपनी पढ़ाई भी कर पाएंगे। इसीलिए इस बेस पे हम कह सकते हैं कि अभी जो छोटे बच्चे नए स्कूल में जाएंगे और अपनी शिक्षा की यात्रा को आरंभ करेंगे वो काफ़ी किस्मत वाले होंगे। इन 5 सालों के बाद अगले 3 साल यानी कि तीसरी क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक की पढ़ाई में छात्रों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। इसके तहत छात्रों को विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों से अवगत कराया जाएगा। ये इसके अगले 3 साल मिडल स्टेज मानी जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अगले 3 साल मिडल स्टेज मानी जाएगी, जिसमें कक्षा 6 से लेकर 8वीं की पढ़ाई शामिल होगी। इसको हम मिडल स्टेज बोलेंगे। इस स्टेज में, मिडल स्टेज में छात्रों को तय पाठ्यक्रम के हिसाब से ही पढ़ाया जाएगा और इसके बाद तय किए गए फॉर्मेट के हिसाब से 9वीं से 12वीं कक्षा तक जो 4 वर्षों का स्टेज होगा उसको हम लास्ट स्टेज बोलेंगे। इन इन 4 साल की स्टेज में 9वीं से 12वीं कक्षा तक जो छात्रों में किसी एक पर्टिकुलर विषय के बारे में गहरी समझ पैदा की जाएगी, उनकी विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा और उन्हें जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। तो ये जो 4 साल की स्टेज होगी ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेज होने वाली है, जिसमें छात्रों को पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा के उनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार किया जाने वाला है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब स्कूलों में पहले जैसा स्ट्रीम सिस्टम नहीं होगा, स्ट्रीम सिस्टम खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये है अगर आर्ट्स का कोई छात्र फिजिक्स की पढ़ाई करना चाहता है तो वो कर पाएगा। हमारे जो अभी के सिस्टम में था, आर्ट्स वाला बच्चा साइंस नहीं पढ़ सकता, फिजिक्स नहीं पढ़ सकता, कॉमर्स नहीं पढ़ सकता, और साइंस वाला कोई बच्चा अगर उसको अकाउंट्स में इंटरेस्ट है तो वो अकाउंट्स नहीं पढ़ सकता। तो ये जो स्ट्रीम सिस्टम है ये ख़त्म हो जाएगा। साइंस वाला बच्चा चाहे तो आर्ट्स पढ़ सकता है, कॉमर्स पढ़ सकता है, और कॉमर्स वाला बच्चा चाहे तो साइंस पढ़ सकता है। और इस पढ़ाई के लिए संभव ये है कि अलग अलग विषयों का सरकार द्वारा एक पूल तैयार किया जाएगा। इस पूल के हिसाब से ही छात्र अपने सब्जेक्ट निर्धारित कर सकते हैं, जिसके कारण वो साइंस के साथ साथ कोई और स्ट्रीम पढ़ाई करना चाहे तो वो भी पढ़ सकते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे कि हम हमारे स्ट्रीम के अलावा अगर हमें कुछ और स्ट्रीम में इंटरेस्ट है तो हम उसी की भी पढ़ाई कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, अगर विज्ञान के छात्र को इतिहास में इंटरेस्ट है और उसके पूल सब्जेक्ट्स में विज्ञान और इतिहास शामिल है, तभी वो छात्र उन दोनों सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कर पाएगा। तो वो पूल निर्धारित करेगा, उसमें जितने सब्जेक्ट है उस हिसाब से ही छात्र अपने सब्जेक्ट चुन पाएंगे। हालांकि अभी इस पे पूरा स्पष्टीकरण आना बाकी है, तो भी हमने हमारे जितना नॉलेज हमें मिल पाया है उनके ओर से, तो हमने उतना नॉलेज आपके साथ शेयर किया है। लेकिन इस सबसे पहले वाला जो स्ट्रीम सिस्टम था वो बंद हो गया। पहले हमारे पास में ऐसा था कि हम साइंस ले सकते थे, कॉमर्स ले सकते थे, यानी और आर्ट्स ले सकते थे, यानी कि ह्यूमैनिटीज़ ले सकते थे। ह्यूमैनिटीज़ वाला स्टूडेंट साइंस नहीं पढ़ सकता था अगर उसको साइंस में इंटरेस्ट है, और साइंस वाला स्टूडेंट्स अकाउंट्स नहीं पढ़ सकता था। लेकिन इस स्ट्रीम सिस्टम से ये सारी दुविधाएँ अभी दूर हो जाएगी। दूसरी दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 5वीं क्लास तक की पढ़ाई है वो हमारी मातृभाषा में कराई जाएगी। ऐसा भी यह कंपलसरी नहीं है कि हिंदी इंग्लिश में ही हमें पढ़ना है। अगर हमारी मातृभाषा यहाँ पे मराठी है तो हम मराठी में 5वीं क्लास तक की पढ़ाई कर सकते हैं। तेलुगु वाले तेलुगु में पढ़ सकते हैं, मलयालम वाले मलयालम में, पंजाबी वाले पंजाबी में, कोंकण वाले कोंकण में, इस तरीके से अलग अलग भाषाओं में हमारी 5वीं क्लास तक की प्राइमरी पढ़ाई की जाएगी। यानी कि अभी जो अंग्रेजी में पढ़ाई की अनिवार्यता है वो समाप्त हो जाएगी। यानी कि अंग्रेजी में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें इंग्लिश में ही पढ़ना है 5वीं क्लास तक, हम हमारी मातृभाषा में भी पढ़ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। इस बदलाव के अंतर्गत हम हमारी राष्ट्रभाषा में और या फिर हमारी लोकल भाषा में पढ़ाई कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप अपने बच्चे को 5वीं क्लास तक मराठी, गुजराती, पंजाबी या और हमारी कोई लोकल भाषा में पढ़ाना चाहते हैं तो आप पढ़ा पाएंगे। अंग्रेजी बस एक केवल सब्जेक्ट मात्र होगा जो कि एक सब्जेक्ट की तरह 5वीं क्लास तक हमारे साथ में रहेगा। यानी स्कूलों का जबरदस्ती अंग्रेजीकरण का दौर अब समाप्त हो जाएगा। और एक और सबसे बड़ी अनाउंसमेंट ये है कि जैसे ही बच्चा 6वीं क्लास में आएगा तो उसे कंप्यूटर कोडिंग सीखने का मौका मिलेगा। ये बहुत ही बड़ा फैसला मैं बताना चाहूँगा आपको, ये किया गया है जिसमें छात्रों का कोडिंग में जो इंटरेस्ट बनेगा उससे उनका मैथमेटिक्स अच्छा होगा, कोडिंग के ज़रिए उनका माइंड और ज़्यादा शार्प होगा, और जो 6वीं क्लास के बच्चे हैं वो हमारे आने वाले जनरेशन के लिए वो एप्लीकेशंस बना पाएंगे, वो अपने आने वाले कल के लिए बेहतरीन कल बना पाएंगे अगर वो कोडिंग अगर 6वीं क्लास से ही सीखना शुरू कर देते हैं। यानी कि अभी हमारे छात्र 6वीं कक्षा में ही छोटे स्तर पे ही कंप्यूटर एप्लीकेशन और एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने में सक्षम हो जाएंगे, और 6वीं कक्षा से ही छात्रों को इंटर्नशिप का भी मौका मिलेगा। यानी कि छात्र को किसी भी प्रकार के सब्जेक्ट में अगर इंटरेस्ट है टेक्निकल नॉलेज में, तो वो अगर उस टेक्निकल नॉलेज का प्रैक्टिकल करना चाहता है तो वो जाकर अपनी इंटर्नशिप कर सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर आपके बच्चे को पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो वो किसी पेंटर के पास जा सकता है इंटर्नशिप के लिए, या फिर अगर आपके बच्चे को सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है तो वो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में जा सकता है इंटर्नशिप के लिए। बच्चे अब अपने स्कूल के दौरान ही इंटर्नशिप कर सकेंगे। 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई अब सेमेस्टर के आधार पर होगी। इस सेमेस्टर सिस्टम में एक साल में 2 सेमेस्टर होंगे और हर 6 महीने बाद एक परीक्षा होगी। इसका मतलब छात्रों को साल भर पढ़ाई करनी ही पड़ेगी कंपलसरी। जैसा कि पहले हमारे छात्र साल के एंड में पढ़ाई करते थे और उनको अच्छे नंबर आ भी जाते थे, लेकिन अभी उनको पूरे साल भर मेहनत करनी पड़ेगी, उनको दोनों सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, और उनके जो 2 सेमेस्टर हो गए 6 6 महीने के बाद जो उनका फाइनल रिजल्ट बनेगा वो दोनों सेमेस्टर के आधार पर ही बनेगा। तो ये सेमेस्टर सिस्टम में छात्रों के लिए थोड़ा सा दिक्कत है, यहाँ उनको पूरा साल भर पढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन जिसके कारण उनका नॉलेज तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और उनका एक्सपीरियंस भी उनके टीचिंग के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। छात्रों के दोनों सेमेस्टर के अंकों को जोड़कर उनकी एक फाइनल मार्कशीट बनेगी हर साल की। तो ये सेमेस्टर सिस्टम एक बदलाव की तरह ही है। यानी एक छात्र होने के नाते आपको दोनों सेमेस्टर्स की पढ़ाई बराबर इक्वल तरीके से करनी होगी, और आप अभी ये कह के बच नहीं सकते कि आप अभी फाइनल एग्ज़ाम की ही तैयारी करेंगे। आपको दोनों सेमेस्टर में सेम नंबर्स लाने होंगे, अच्छे मार्क्स लाने होंगे, तभी आपका जो फाइनल क्रेडिट रिजल्ट बनेगा वो अच्छा बनेगा। इसके अलावा जो अभी बोर्ड की एग्ज़ाम्स होगी उनको आसान बनाया जाएगा और छात्रों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए इन्हें डिज़ाइन किया। अब आने वाली जो बोर्ड एग्ज़ाम होगी उसमें छात्रों की रट्टाफिकेशन क्षमता नहीं, जो उनकी समझने की क्षमता है, छात्र कितना उस सब्जेक्ट को उन विषय को समझ सकते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा।
ट्यूशन और कोचिंग क्लासेस के माध्यम से बच्चे जो रट्टा लगा के आके एग्ज़ाम में लिखते थे, उस पद्धति को पूरा समाप्त कर दिया जाएगा। बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों को अब उनकी पसंद की लैंग्वेज में परीक्षा देने की पूरी छूट होगी। उदाहरण के तौर पर अगर आप चाहें तो हिंदी या अंग्रेजी भाषा में, किसी भी भाषा में आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। छात्रों के रिपोर्ट कार्ड्स को भी अब पहले की तरह तैयार नहीं किया जाएगा। अभी किसी भी छात्र को मार्क्स देते समय उसका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में और उसके दिमाग की क्षमता, उसका व्यवहार, आचार विचार, उस सब को भी ध्यान में रखते हुए उसका रिजल्ट बनाया जाएगा। इसके अलावा रिपोर्ट कार्ड को 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर तैयार किया जाएगा। इसमें इस 360 डिग्री असेसमेंट रिपोर्ट कार्ड में छात्र खुद को भी नंबर देंगे, यानी कि छात्र अपना खुद का भी विश्लेषण अपने रिपोर्ट कार्ड में कर पाएंगे। विषय पढ़ाने वाले शिक्षक भी छात्रों को नंबर देंगे और छात्रों के जो सहपाठी है वो भी उनको विश्लेषण करेंगे, उनके उनको अंक देंगे। कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के लिए भी इस नई शिक्षा नीति में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। जो छात्र अभी नए कॉलेज में जाने वाले हैं तो वो इसके बाद अभी ध्यान से देख लें। अब देश के छात्र कॉलेज में एडमिशन के लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बताना चाहे, अगर आपको 12वीं कक्षा में आपको कट ऑफ लिस्ट से नीचे मार्क्स आए हैं तो वो छात्र भी कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे पाएंगे। और जो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट में उन छात्रों का प्रदर्शन रहेगा, वो नंबरों को आपके 12वीं कक्षा के नंबरों के साथ जोड़ दिया जाएगा, जिसके ज़रिए आपको आपके मनपसंद कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। ग्रेजुएशन की पढ़ाई को 3 और 4 वर्षों के कोर्स ड्यूरेशन में अब बांट दिया जाएगा। पहले अगर आप ग्रेजुएशन की पढ़ाई अगर बीच में छोड़ देते थे तो आपको आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिलती थी। या तो आप पूरी पढ़ाई कीजिए या तो बिल्कुल मत कीजिए, ऐसा हमारे सिस्टम में था। लेकिन ये नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अगर आप 1 साल के बाद किसी कारणवश कॉलेज अगर छोड़ देते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो ये आपका एक सर्टिफिकेट कोर्स माना जाएगा अगर आपने कॉलेज का फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है तो। इसी तरह अगर आप सेकेंड ईयर पास करने के बाद 2 साल के बाद अगर पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आपको एक डिप्लोमा मिलेगा, यानी कि आपको एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा, तो आपका ये डिप्लोमा कोर्स माना जाएगा। और इसके बाद अगर आप थर्ड ईयर 3 साल की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो आपको बैचलर्स डिग्री प्रोवाइड की जाएगी, बैचलर्स डिग्री मिलेगी। और जैसा ही अपने चौथे वर्ष की आपने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली तो आपको जो चौथे वर्ष में डिग्री मिलेगी वो आपको आपकी रिसर्च की डिग्री मिलेगी। इस रिसर्च की डिग्री के बाद अगर आप स्टूडेंट्स किसी भी फील्ड में अगर रिसर्च करना चाहते हैं तो उनको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा उस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। कॉलेज के छात्र अलग अलग विषय भी ले सकेंगे और इस प्रणाली को हम लोग जो अलग अलग सब्जेक्ट्स की पढ़ाई है उसको हम लोग बोलेंगे मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट वाली प्रणाली इन्होंने बताया है हमें। इस प्रणाली के अंतर्गत छात्र अगर किसी एक सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो वो उस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं और जब चाहे उस सब्जेक्ट को छोड़ सकते हैं। जैसे ही उनकी उन्होंने उस सब्जेक्ट को छोड़ दिया, उसके अंक जो है उनके डिजी लॉकर में जमा हो जाएंगे। और जब छात्र उसके बाद अगर दूसरे सब्जेक्ट की पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसके अंक भी उनके डिजी लॉकर में जमा हो जाएंगे। लेकिन जब तक छात्र सेकेंड टाइम अगर वो पहले सब्जेक्ट के पास जाएंगे पढ़ने के लिए, उसको पूरा करेंगे, तब जाके उनके डिजी लॉकर के पहले वाले साल के अंक और दूसरे साल के अंक, अरे ऐसे करते हुए सारे अंकों को जोड़कर उस पहले सब्जेक्ट के बारे में छात्रों का रिजल्ट बनेगा। और सेकेंड वाला सब्जेक्ट जो छात्र पढ़ रहा था उसको भी उस पढ़ाई को पूरे करने के बाद डिजी लॉकर से सारे अंक उनके उठाकर उसका उनका रिजल्ट बनेगा। तो इस माध्यम से ये होता है कि छात्र अपने मन चाहे हिसाब से जितने सब्जेक्ट चाहे पढ़ सकते हैं। मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट, ये सारा प्रोसेस डिजिटली होगा। AI सिस्टम के जरिए छात्रों पर हर उनके डिजिटल डेटा पर नज़र रखा जाएगा। इस कहते हैं कि ये नई शिक्षा प्रणाली बनाने के लिए लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोगों की राय ली गई है, उसके बाद ही ये और शिक्षा प्रणाली बनाई गई है। ये शिक्षा नीति वर्ष 2021 और वर्ष 2022 के एकेडमिक सेशन तक लागू कर दी जाएगी। यानी कि अब जो अगला नया एकेडमिक सेशन होगा, यानी कि 2021 का जो सेशन होगा, वो इस नई शिक्षा नीति के साथ ही स्टार्ट होगा। दोस्तों आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।
प्लीज़ ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना ज़्यादा हो सके आप इसको शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेज हमारे देश के हर व्यक्ति को, हर बच्चे को, हर हर पेरेंट्स को मिले, क्योंकि एजुकेशन ही ऐसा एक ज़रिया है जिसके कारण हमारा देश आगे बढ़ सकता है और हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारे फ्यूचर को सुधार सकते हैं। तो डेफिनेटली इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चन क्यूरीज हो तो डेफिनेटली कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। थैंक यू सो मच मेरे चैनल पर ये वीडियो देखने के लिए। हैव अ नाइस डे।